हेलो एंड वेलकम। सबसे पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकॉन, नेवर मिस एन अपडेट। आपने रेस्टोरेंट में चने खाके कभी मन में सोचा है कि ऐसे चने आपके घर पे क्यों नहीं बनते? तो कहते हैं ना कि कुकिंग आर्ट होने के साथ साथ एक साइंस भी है। तो वो जो एक यूनिक टेस्ट और फ्लेवर रेस्टोरेंट के चनों में होता है, वो साइंस की वजह से होता है। वो मैं आज आपको बताऊंगा। हमारी इस चने की रेसिपी में हम चाय की पोटली नहीं बनाएंगे, उसकी जगह पे हम चाय का पानी डालेंगे उबाल के। साथ में डालेंगे बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, जिसको हम मीठा सोडा भी कह देते हैं। चाय जो एल्कलाइन है और सोडा जो एसिडिक है, उन दोनों के केमिकल रिएक्शन की वजह से ही हमारे चनों में एक यूनिक टैंगी फ्लेवर आ जाता है। तो आइए, देर किस बात की, आर यू रेडी, चलिए शुरू करते हैं। लिया है एक बड़ा प्याज, दो मीडियम साइज के टमाटर, एक बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, और हम इसमें तड़का लगाएंगे। उसके लिए ली है एक हरी मिर्ची, एक लाल मिर्ची और थोड़ा अदरक, जिसको हमने जूलियन काट लिया है। प्याज और टमाटर को हमने फाइन चॉप कर लिया है एकदम। आप चाहें तो इसको मिक्सी में डाल के ग्राइंड भी कर सकते हैं। और हमने लिए हैं मीडियम साइज सफेद चने, 250 ग्राम, छोटे साइज के हैं। इसको हमने पानी में डाल के सोक कर लिया है करीबन 10 घंटे के लिए। ये देखिए, ये फूल के बड़े हो गए हैं। और हमने लिया है 1.5 चम्मच नमक, आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, 1 चम्मच लाल मिर्ची, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और हमने लिया है 2 चम्मच चना मसाला। चना मसाला के अंदर होता है अनारदाना, तो इसलिए हमने साथ में लिया है 1 चम्मच अमचूर पाउडर। आप चाहे अमचूर पाउडर की जगह 1 चम्मच पिसा हुआ अनारदाना भी ले सकते हैं। और हमने लिए हैं खड़े मसाले, जिसमें हैं थोड़े से लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, एक बड़ी इलायची और एक तेज पत्ता। अब हम आंच पे चढ़ाएंगे एक कुकर। कुकर में डालेंगे थोड़ा सा तेल, हमने कैनोला ऑयल लिया है, आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, जीरे को थोड़ा भून लेंगे हम। डालेंगे इसमें कटे हुए प्याज, ये प्याजों को हमें अच्छी तरह भूनना है, बिल्कुल नाइस गोल्डन ब्राउन। जब सारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएं तब तक भूनना है इसको, करीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। इसमें हम अपने खड़े मसाले अब डाल देंगे। ये देखिए, हमारे प्याज ऑलमोस्ट ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी डालने से टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है और हमारे अनियन और इवनली ब्राउन हो जाएंगे अच्छी तरह से। अब इसमें जाएगा अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको थोड़ा हम भून लेंगे करीबन 30 सेकंड के लिए। डाल देंगे हम अपने स्पाइसेस, सारे ड्राई स्पाइसेस यहाँ पे डाल देंगे हम। इसको भी थोड़ा भून लेंगे करीबन 30 सेकंड के लिए। अगर नीचे लगे तो आप थोड़ा सा पानी डाल लीजिए इसमें। डाल दिए हमने इसमें अपने कटे हुए टमाटर, ये टमाटर को अच्छी तरह भूनना है मसाले को, जब तक हमारा मसाला ऑयल ना छोड़ दे। जब तक हमारा मसाला भुन रहा है तब तक हम चाय का पानी बना लेंगे। इसके लिए पैन में लीजिए 1.5 कप पानी का, उसमें डालिए 2 चम्मच चाय पत्ती और इसको अच्छी तरह बॉईल कर लेंगे। बॉईल करके हमें थोड़ा सा रिड्यूस कर लेना है इस पानी को। हमारा मसाला भी ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे अपना भिगोया हुआ चना, जिसको हमने ड्रेन कर लिया है। सर इट नाइसली, अच्छी तरह मिक्स करके अब जो चाय का पानी है इसमें हम स्ट्रेन करके डाल देंगे। अब ये देखिए, ये है बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, चाय के पानी के साथ ही हमें इसको डालना है।
और ये देखिए इसका केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगा। फोम बन रही है, इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन एल्कलाइन चाय का और एसिडिक सोडा का, यही है मैजिक। इसी से आएगा हमारा टैंगी फ्लेवर, यूनिक फ्लेवर चने में। अब कुकर का ढक्कन लगाएंगे और हमें इसे पकाना है और 7 सीटियां लगवानी है। 1 सीटी बच जाए तो आंच कम कर दीजिए बिल्कुल धीमी। इसको करीबन 20-25 मिनट लगेंगे। ये देखिए हमारी 7 सीटी बच चुकी हैं। अब हम इसको खोल के देखेंगे। वाह, बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए चने हमारे बिल्कुल प्यारे से अच्छे से गल भी गए हैं। और ये ऑलमोस्ट रेडी हैं। इसको अब हम सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हम लगाएंगे तड़का। तड़के के लिए 1 चम्मच घी का आप करें गरम। इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी हींग की। हींग को थोड़ा भून लें और इसमें डाल देंगे हमारे कटे हुए अदरक और मिर्ची। ये देखिए लाजवाब तड़का है, ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। वेट कीजिए, ये आ गया हमारा तड़का चनों के ऊपर। देखिए कितने प्यारे और अच्छे लग रहे हैं। लीजिए, आपके रेस्टोरेंट स्टाइल के यूनिक फ्लेवर वाले चने हो गए हैं रेडी। इसको बनाइए और खाइए। इंजॉय एंड गुड लक।